पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स। हम आइए, हम एक टॉपिक आज है हमारा आईआईटी जैम 2018 का मैथ्स का है एक सेट जो क्वेश्चन नंबर है 58। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा था कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चन है बहुत इजी, क्योंकि हमें ये नहीं पता था, वी नो दैट द एरिया ऑफ पैरामीटराइज सरफेस, तो इसकी एरिया ये होती है। अगर आप ये भी याद रख लीजिए, यहाँ पे चाहे यू एक्स वाई हो सकता है तो यहाँ डी एस डी वाई हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम ये चेंज कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था, यही इम्पॉर्टेंट था जो कि हमें नहीं पता होता। अगर ये नहीं पता था तो नहीं निकल सकते, तो ये इम्पॉर्टेंट था। बाकी का वर्क तो हम इजीली कर लेंगे, बाकी का आप ये क्रॉस फाइंड करना है, डेल एस डेल यू करना है विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो विथ रिस्पेक्ट टू यू निकाल लीजिए यहाँ से, वो जीरो हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो गया, कॉस भी हो गया, फिर यहाँ पे भी माइनस साइन भी हो गया, और साइन यू है तो यहाँ पे अब साइन यू का आपका कॉस यू हो गया, ये हो गया। उसी तरह अब ये वाला पोर्शन हो जाएगा डेल एस डेल वी वाला, तो ये कॉन्स्टेंट होगा, माइनस साइन है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर साइन दूसरा वाला आ जाएगा हमें ये वाला, और यहाँ चूँकि वी के रिस्पेक्ट में है तो यू है इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा। बाकी डेल क्रॉस डेल एस अपॉन डेल यू क्रॉस डेल एस अपॉन डेल वी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये आपको पता है हमको कैसे एक्सपेंशन करना है। तो ये चीज़ें हमें अपने से करनी है, यही इम्पॉर्टेंट था कि हम ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, जब ये कर लेंगे तो हम आगे का वर्क हमारा इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अभी मल्टीप्लाई करके और सॉल्व कर लीजिए, तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये मिलता है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट जब ये मिलता है तो इतना सारा वर्क करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब इसमें से कुछ देख लीजिए जो कुछ कॉमन होगा, 2 प्लस कॉस ऑफ यू का होल स्क्वायर कॉमन है। अगर इस वाले रिजल्ट में हम आए बात करें तो ये देख लीजिए क्या है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर वी एंड कॉस स्क्वायर यू, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर यू, ये टोटल रिजल्ट्स। तो अब इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ये कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी मिलेगा, उसके बाद फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी मिलेगा, मतलब टोटल मिला के रिजल्ट हमारा क्या मिलने वाला है, 1। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमें 1 मिल जाएगा, दैट वैल्यू इज़ 1। ठीक है, कर लेंगे आगे। तो आगे वाले पोर्शन में ये चीज़ें हैं, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा डेल एस अपॉन डेल यू क्रॉस डेल एस अपॉन डेल वी इज इक्वल टू, सो ये चीज़ें हैं। तो अभी स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये क्या मिल जाएगा सिर्फ 2 प्लस कॉस, ये चीज़ें मिल जाएंगी, बाकी ये सब खत्म हो गया, 1 मिल जाएगा। इन दोनों में इन दोनों को पहले ले लीजिए, तो ये मिलेगा ये वाला पोर्शन, उसके बाद फिर ये और ये मिलेगा, हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये मतलब इस वाले पोर्शन की वैल्यू 1 मिल जाएगी टोटल, तो मल्टीपल में हो जाएगा 2 प्लस कॉस यू। तो अब हमें एरिया निकालना है, एरिया, सो हाउ टू फाइंड दिस, इसमें रख देना है इंटरवल, पहले से दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है 0 to π/2 और सो ऑन, तो ये हो जाएगा आपका 0 to π/2 और 2 प्लस कॉस यू डी यू डी वी, ये हो गया। तो अब आगे का वर्क आपको पता ही है, यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन है, तो आप चाहें तो u को u के साथ कर सकते हैं, v को v के साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 0 to π/2 2 प्लस cos u du एंड 0 to π/2 dv, तब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2u प्लस sin u 0 to π/2 और यहाँ पे v 0 to π/2। ठीक है, तो अब आगे हो जाएगा आपका 2 into π/2 ये वाला। ठीक है, उसके बाद समझ रहे हैं आप, ये क्या हो जाएगा sin π/2 और into ये π/2, ये गया मतलब π + 1 into π/2 ये, तो ये नियर अबाउट 6.5 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 लिख लीजिए, ये 3.14
प्लस वन इंटू यहाँ पे 3.14 डिवाइडेड बाई टू, तो ये 4.14 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई टू, तो नियर अबाउट 6.50 के आसपास अप्रॉक्स आंसर आएगा। ये कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये चाहते हैं 12, देख लीजिए 12 है तो 6 point something आएगा, ये तो क्लियर है। तो इस तरह से उस आंसर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 6.5। सो इस तरह से क्वेश्चन करना था, बट जो मेन था वो एरिया कैसे है पैरामिड, इसकी जो पैरामीटराइज है उसका एरिया कैसे है, तो एरिया मैंने वो बता दिया। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।